एज ए बॉडी बिल्डर आई स्टार्ट माई डे विद अ पॉजिटिव माइंड सेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरा दिन किसी को इंस्पायर करने के काम आ सके. एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ. आई स्टार्ट माई डे विद दिस प्री कार्डियो ड्रिंक. वाई आई एम टेकिंग दिस प्री कार्डियो ड्रिंक इज जस्ट बिकॉज while I'm performing any which one of the cardio exercise and as I am a competitive bodybuilder, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि while I am doing this cardio exercise, तो मैं अपने muscle loss ना कर लूँ. so मैं कोई भी pre-cardio drink ले लेता हूँ. and this pre-cardio drink have lot of things in it, like L-carnitine, L-taurocyne, L-glutamine, citrulline malate, and this have branch chain amino acid, leucine, isoleucine and valine. it helps me to build muscle and even save muscle while I'm performing the cardio exercise. and add just BCAA in it. to let's have very good flavor. that's a pineapple flavor. सो एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जैसे नॉर्मल लोग अपनी डे स्टार्ट करते हैं विद द टी एंड कॉफ़ी, दैट्स लाइक अ टी एंड कॉफ़ी फॉर मी. एंड दैट्स 365 डेज एवरी डे. एंड बी सी डबल ए की द बेस्ट थिंग इज़ कि आप वैसे तो बहुत सारे अमीनोज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में या आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में. बट ब्रांच इन अमीनो एसिड, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन एंड वेलाइन इज़ द थ्री अमीनोज दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि आपको जनरली फूड से नहीं मिलते. तो आपको किसी भी सप्लीमेंट से इसको आउटसोर्स करना पड़ता है. एंड एज आई एम अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को उस रेंज में रखना जिस रेंज में मुझे जब भी मेरा कंपटीशन नज़दीक आता है तो मुझे 10 से 12 हफ्ते ही लगें जस्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द स्टेज. और उसके लिए मुझे फिर 365 डेज कार्डियो करना मस्ट है, डिपेंड कि मैं क्या करता हूँ. एंड कार्डियो से मेरा यहाँ मतलब है इट्स जस्ट बिकॉज हम बहुत सारे मसल्स हैं बॉडी में, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट का ध्यान रखना. एंड कार्डियो इज़ रिलेटेड टू द हार्ट. एंड अगर मेरा हार्ट हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली है मेरा हार्ट जितना यंग और हेल्दी रहेगा वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्किंग मसल तक पहुँचा सकता है. एंड आपके मसल्स वेदर इट इज़ बाइसेप्स, वेदर इट इज़ लेग्स, वेदर इट इज़ चेस्ट, वेदर इट इज़ बैक, वो तभी अच्छे रह सकते हैं कि अगर आपका हार्ट अच्छे से ऑक्सीजन पम्प करता है. तो इसीलिए आई स्टार्ट माई डे विद कार्डियो एक्सरसाइज. वो अभी हम जिम में देखेंगे मेरी प्रेफरेंस क्या है कार्डियो की. सो आई एम इन द जिम एंड एज आई टोल्ड यू आई स्टार्ट माई डे विद द कार्डियो एक्सरसाइज. एंड कार्डियो में वी हैव डिफरेंट वेराइटी हेयर. सो दिस इज़ कि आई जनरली डू क्रॉस ट्रेनर और जस्ट ब्रिस्क वॉक. एंड लेट्स सी. सो दिस इज़ द जिम नेम्ड O2 जिम एंड स्पा. And while I'm doing the cardio, as I like Punjabi music, so मैं generally ये mobile use करता हूँ while I'm performing the cardio. and actually फिर दिन में मुझे time नहीं मिलता अपने तरह के गाने सुनने का. so I'll try to जो ये half an hour मेरे पास है I utilize कि मैं उसको max कैसे potential निकाल सकता हूँ. गाने सुनने से मैं खुश रहता हूँ, cardio करने से मेरी health improve होती है. तो मुझे लगता है मन दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो वो गाने में मिस नहीं करता. सो व्हाइल आई एम डूइंग द कार्डियो एक्सरसाइज आई नेवर टॉक टू एनीवन
रदर देन कि जो गाने मुझे या जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो सकता है एज आई स्टार्ट माई डे एंड मुझे दिन में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो उसके लिए मेरा स्टार्ट होना चाहिए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे बिफोर द एक्सरसाइज बहुत पहले से जब से हम हॉस्टल में थे तो गाने सुनने का बहुत शौक था, तो वो शौक मैंने अभी तक ज़िंदा रखा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पैशन है या जो आपका लव है या जो चीज़ भी आपको खुश रखती है वो आप ज़रूर करें। तो मैं यंग जनरेशन से भी यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारे मूड ऐसे आते हैं जब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, बट कुछ भी अडॉप्ट करो, अच्छी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हो, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप से ज़रूर प्यार करो, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते ना तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। एंड व्हाई आई एम डूइंग कार्डियो इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू माई हार्ट, सो मेरे दिल को जवान रहना बहुत ज़रूरी है मुझे जवान बनाने के रखने के लिए, इसीलिए कार्डियो करना ज़रूरी है। कार्डियो प्राइमरली मोटिव इज कि मेरा जो स्टोर फैट है वो यूटिलाइज हो एज ए एनर्जी एंड मेरा बॉडी फैट परसेंटेज एक रेंज से नीचे रहे। जनरली मुझे लगता है कि मेल्स जितने भी हैं उनमें बॉडी फैट परसेंटेज 15 से कम होना चाहिए, फीमेल्स में 20 के आसपास भी चल जाता है, बट क्योंकि आपको 15 से नीचे रहना है तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें आपका जो स्टोर फैट है वो यूटिलाइज हो सके एज ए एनर्जी एंड आप स्लिम दिख सको और ऑब्वियसली जवान रह सको। Up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it, so they hate everybody. Nobody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. So, man, almost 25 minutes crossed in a garchuka. But as I generally do 35 minutes of cardio. And, kyunki outdoor cardio karna bhi bahut important hai, just कि आपको वो फ्रेश एयर चाहिए। सो आई वॉन्ट कि मैं थोड़ी जॉगिंग कर लूँ, सो आई प्रेफर जॉग ऑन नॉर्मल ग्राउंड रेदर देन द ट्रेडमिल, बिकॉज ट्रेडमिल में आप बहुत सारे लोग जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है आउटडोर की, सो ऑब्वियसली दे कैन रन ऑन, दे कैन स्प्रिंट, दे कैन डू अ जॉग ऑन ट्रेडमिल ऑल्सो, बट आई जनरली प्रेफर कि इफ I have an opportunity, I have a park, so I can run a bit, let's say 5-10 minutes, and just to maximize jo cardio effect hai usko pura maximize karne ke liye. So main roz nahi karta hu, but yes, thrice a week I do this jog, thrice a week I do normal walk on the treadmill. Cross trainer bus mein 25-30 minutes zarur karta hu, wo mera तो हमारा कार्डियो फिनिश हो चुका है एंड जैसे कि मैंने बताया था क्रॉस ट्रेनिंग के साथ साथ मैं स्प्रिंटिंग सिर्फ इसलिए करना चाहता था कि मैं आज के दिन की मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता था, बट मैंने जनरली जिम्स में अपने भी जिम्स में या बहुत सारे मैं ऑलमोस्ट पूरा इंडिया अब्रॉड ट्रैवल कर चुका हूँ, बहुत सारे जिम्स में हमने देखा है जितने भी लोग वेट रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं, बट देर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा करना इज़ नॉट कि आपको उससे रिजल्ट आएंगे, बट यू नीड टू बी लिटिल टेक्निकल कि आपको कैसे करना चाहिए। तो कैसे, व्हाट इज़ कार्डियो? कार्डियो इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, क्योंकि वही कार्डियो एक 60 साल का बुज़ुर्ग भी कर रहा है, 40 साल का भी कर रहा है और 20 साल का भी कर रहा है,
तो वो तीनों में क्या चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए कि वो फैट बर्न कर पाए या अपने हार्ट को हेल्दी कर पाए। सो जब भी हम बर्थ लेते हैं इंडिविजुअली तो हमारे हार्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 220 बीट पर मिनट वाइल यू डूइंग एनी विच वन ऑफ द कार्डियो एक्सरसाइज एंड योर आपका प्राइमरी मोटिव है कि आपको फैट बर्न करना है या आपको वजन कम करना है, तो उसके लिए आप 20 माइनस योर एज, लेट्स से माय एज इज 35, तो 220 माइनस 35 इज 185। सो दैट मीन्स मेरे आज हार्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी एक मिनट में धड़कने की है 185। बट अब मैं अपने हार्ट रेट को किस जोन में ट्रेन करूं सो दैट मैं जो भी एनर्जी बर्न करूं वो फैट से करूं, ना कि मैं मसल लॉस कर लूं, तो वो है 75% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट। सो 185 का मैक्स इज 75% का जो भी रेंज आता है दैट अप्रॉक्सीमेटली 150 to 160 बीट पर मिनट। बट वो अपना इंडिविजुअल को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 220 माइनस और एज जितना भी आता है उसका 75% ही आप कार्डियो करने में परफॉर्म कर सकते। सो दैट मीन्स वाइल यू डू एनी विच वन ऑफ द कार्डियो और आपका प्राइमरी मोटिव है फैट बर्न करना, तो 75% ऑफ योर जो कि आपका 220 में से एज माइनस करके है, जो भी आपका हार्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तभी आप एक्चुअल फैट को बर्न कर सकते हैं। बट यस, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा अबाउट 10-15 मिनट्स एंड देन आई विल डू माय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिव है मसल मास गेन करना, तो मैं सिंगल बॉडी पार्ट का डे करता हूँ। तो आज मेरा डे है कि मैं बैक ट्रेन करूँगा, सो आई विल शो यू सम गुड एक्सरसाइजेज या जो कि बहुत ज़रूरी हैं व्हाइल यू परफॉर्मिंग द बैक एक्सरसाइज, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वेट कैसे चूज़ करना है, कितने रेपिटेशन करने चाहिए, रिदम कैसा होना चाहिए, एंड द मेन थिंग इज CNS कनेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाइल यू परफॉर्मिंग एनी विच वन ऑफ द एक्टिविटी आपका CNS कनेक्शन डिपेंड करता है कि आप कितना मसल माइंड कनेक्ट करके वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिताजी वहीं पे हैं अभी भी, और 25 दिसंबर 1982 को मेरा बर्थ हुआ था, दैट मीन्स मैं 36 साल का हो चुका हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन सच बताऊँ तो फिटनेस में मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, बट शुरू से ही स्कूल में जब हमने जाना, मतलब स्कूल में जब मैं 9th-10th क्लास में ही था, तब से ही मुझे एक्सरसाइज का इतना शौक लग चुका था कि मैंने अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाया। बट यस, मैंने सहारनपुर में ही MS कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, एंड दैट ग्रेजुएशन भी मेरा मन था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने का, तो उसके लिए मुझे कॉलेज में जाना था, एडमिशन लेना था, अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करनी थी। और कहीं ना कहीं मेरे फादर साहब जिन्होंने मुझे इतना अलाउ किया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं, जिस इंडस्ट्री को उस टाइम पे एक क्वेश्चन चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क था। लेट्स से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आई स्टार्ट एक्सरसाइज इन 1999, तो 1999 में हर पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि यार बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस भी कोई इंडस्ट्री हो सकती है। पैशन के लिए ठीक है, अगर आपको जिम जाने का शौक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का शौक है, तब तक ठीक है, बट हाउ यू कैन बी कि आप इसमें से अर्न भी कर सकते हो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए या अपने लिविंग के लिए, वो हर पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन मार्क था। तो ऑब्वियसली, बट उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ अगर इसको करना चाहता हूँ तो वो मुझे कभी नहीं रोकेंगे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। और मैं 7th क्लास तक मैं गुरु तेग बहादुर स्कूल में पढ़ा हूँ सहारनपुर में, बट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं सहारनपुर से हूँ, ओवरऑल माहौल वहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा नहीं था। सो मेरे पेरेंट्स ने, मतलब बहुत ट्राई किया मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, तो उस टाइम में उनके एक फ्रेंड थे, उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ता था, तो उन्होंने एक दिन उनसे पूछ लिया, भाई बेटा कहाँ पढ़ता है आपका, तो जलंधर के पास एक शहर है नवांशहर, तो नवांशहर में स्कूल है कृपाल सागर अकेडमी। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि अगर आप हॉस्टल में पढ़ना चाहते हो, तो बिकॉज वो मुझे चाहते थे कि मैं हॉस्टल में पढ़ूं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी कर लूं, वो बोलते थे वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम उनका अचीव हो जाएगा।
क्योंकि आप लोग सभी लोग देख रहे हो कि मैंने ये चश्मा क्यों पहना हुआ है, ये किसी शौक के लिए या किसी ग्लैमर के लिए नहीं है, दिस इज़ माय नेसेसिटी। तो मेरी आई साइट बचपन से बहुत वीक है, वो बाय बर्थ ही है, जिसका हमने बहुत कोशिश की ट्रीटमेंट कराने की, बट ऑब्वियसली आप मतलब कुछ चीज़ों से आप लड़ नहीं सकते और कुछ चीज़ें बियॉन्ड साइंस होती हैं, तो दिस इज़ बियॉन्ड साइंस। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कोई भी ऐसा हार्डवर्क ना करूँ जिससे कि मेरी आईज़ पे और लोड पड़े, तो वो चाहते थे यार मैं कोई अच्छे स्कूल में पढ़ लूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मेरे फादर साहब उस टाइम बोला भी करते थे कि यार मुझे जिस दिन तू बैंक में क्लर्क भी लग गया तो मेरा ड्रीम अचीव हो जाएगा, सो दैट आपको कोई ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, लगी बंदी नौकरी होगी, लगे बंदी तनख्वाह आएगी, यू विल बी हैप्पी, हमें भी लगेगा हमारा बेटा सेट है। बट एज़ किस्मत ने कुछ और ही लिखा था, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। 8th क्लास में मैं हॉस्टल में चला गया, 8th 9th 10th मैं हॉस्टल में रहा 3 साल। हॉस्टल में मैं जब गया था तो ऑब्वियसली बहुत पतला था, बहुत ही ज़्यादा, तो मेरा वेट रहा होगा अबाउट 41 kg, और ऑब्वियसली शॉर्ट हाइट भी था। और जहाँ मैं गया था, जिस रीजन में मैं गया था, वहाँ पे सब सरदार हैं, सिख फैमिली से हैं, तो सब बहुत अट्टे कट्टे थे। उनकी जनरल हाइट इज़ 5'10" एंड बहुत ही गोरे, बहुत स्मार्ट होते थे, तो मैं अपनी क्लास में सबसे अलग दिखता था। एंड देट अलग दिखता भी था, कुछ ना कुछ मेरे मन में हमेशा उन सब के बीच में रहने में लगता था कि यार देर इज़ समथिंग जो मिसिंग है। बट ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, मुझे अराउंड मेरे जो आसपास जितने मेरे कोलीग्स जो हॉस्टल में मेरे साथ रहते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाल दिया था कि मैं उनके जैसा नहीं दिखता। ऑब्वियसली मैं उनके जैसा नहीं दिखता था, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क था, हाइट शॉर्ट थी, बहुत पतला था। तो मैंने कहा यार लेट्स, इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे बहुत ज़्यादा घर कर गया, और घर कर गया मतलब बहुत ही ज़्यादा। देन आई स्टार्ट अ ग्राउंड एक्सरसाइज, मैंने पुशअप्स मारने शुरू करे जितना भी मुझे आता था, स्क्वाट्स करते थे गलत सलत जैसे भी, क्योंकि हॉस्टल में कोई जिम नहीं था। ये मैंने परस्यू किया 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, सो दैट मीन्स आउटडोर एक्टिविटी हम बहुत ज़्यादा करते थे। उसी दौरान मैंने 100 मीटर करना शुरू कर दिया, उसी दौरान मैं रग्बी खेलता था। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंजेस एक ज़्यादा थे कि मैं हमेशा अपने से हाइट में टॉल वालों के साथ, वेट में ज़्यादा वालों के साथ रग्बी खेलता था, तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होने चलेगी। बट जब मैं 10th क्लास में आया था, मुझे लगा कि यार सिर्फ ग्राउंड एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिसको हम जिम बोलते हैं। आज तो हमें सब कुछ पता है, तब नहीं पता होता था। तो ने आई कन्विंस माई पेर मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, उनको बोला कि मुझे फिटनेस में कुछ करना है। तो उन्होंने मुझे बोला बरा कि यार ऐसे मतलब फिटनेस में ठीक है, आप ये फिज़िकल एक्टिविटी तो कर ही रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको सीरियसली परस्यू करना है। तो मेरे पेरेंट्स नहीं माने, बट मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश करी, बट एट लास्ट उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं 10th क्लास यहाँ से कर लूँ, सो दैट मैं फिर अगेन सहारनपुर में 11th क्लास में जाके देन सी वट कि क्या हो सकता है। देन मैंने फिर 10th कर लिया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। मैं शुरू से ही एक चीज़ मेरे अंदर मैंने जो देखी है, एक चीज़ बहुत अच्छी है, जब भी मैं किसी भी काम को करता हूँ, वो चाहे एजुकेशन हो या मैं जो आज भी कर रहा हूँ, या मुझे किसी को समझाना हो, या मुझे किसी को ट्रेन करना हो, या मुझे किसी को मोटिवेट करना हो उनकी लाइफ के लिए, मैं उसको फिर 100% डेडिकेशन के साथ करता हूँ। मेरे लिए 50-50 कुछ नहीं है, मेरे लिए इधर तो ज़ीरो इधर हीरो, बीच का कोई वो सिस्टम नहीं है। थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ, आज भी हूँ, तब भी था। तो 11th क्लास में मैंने हॉस्टल से आने के बाद आसपास जिम ढूंढने शुरू किए कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। तभी लिंक रोड पे एक जिम होता था, जिनके एक ट्रेनर थे असद नफीस जी। तो असद नफीस जी ने मुझे ट्रेन करना शुरू किया इनिशियली डेज़ में, और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर वो उस टाइम नहीं होते तो मैं यतेंद्र सिंह कभी नहीं बन पाता, जो कि आज अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, या इंडिया में फिटनेस को प्रमोट करने के लिए पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा है, अपने यंगस्टर को मोटिवेट कर रहा है कि वो फिटनेस को अडॉप्ट करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, तो नहीं कर पाता। बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया, मेरी गॉड गिफ्ट जेनेटिक अच्छे थे, मेरे दादाजी के जेनेटिक्स बहुत ही अच्छे थे, उनकी हाइट बिल्ड बहुत अच्छी थी, तो मैंने बहुत कम समय में ही बहुत अच्छा फिजिक बना लिया, जो कि मुझे नहीं पता था। बट यस, मैं असद नफीस जी ने फिर किसी एक दिन मुझे बोला कि अगर आपको कॉम्पीट करना है, अगर आप चाहते हो बॉडी बिल्डिंग कोई कॉन्टेस्ट खेलना, तो तभी मैंने उनको बोला कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से सिर्फ जिम आने के लिए मनाया, क्योंकि
मेरे पूरी फैमिली हिस्ट्री में कभी कोई जिम नहीं गया। आई एम द फर्स्ट वन जो कि जिम जा रहा था और पढ़ाई से अलग कुछ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं तब जॉइंट फैमिली में रहता था, तो हम 6 भाई हैं जॉइंट फैमिली में, 2 सिस्टर्स हैं, तो 8 लोगों में 7 लोग पढ़ रहे हैं, एक कोई अलग ही जिम जा रहा है। तो जो अलग जिम जा रहा था उसको सब गलत ही बोलते थे कि ये कुछ ना कुछ लाइफ में गलत तो कर रहा है। बट मैं उस टाइम, अब बिकॉज सब मेरे से बड़े थे, मैं उनको समझा नहीं सकता था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बट यस मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे लेट से एजुकेशन, लेट से मुझे पढ़ाई उस टाइम नहीं भा रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी, और जिम जाना मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो कर रहा था, तो जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो करता था। बट ऑब्वियसली बड़ों को समझाना उस टाइम पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने कॉम्पिटिशन खेल लिया और मुझे नहीं पता था कि मेरी फिजिक उस लेवल की है और मैं कॉम्पिटिशन विन कर गया। ऑल्दो वो बहुत छोटा कॉम्पिटिशन था, तो जब कॉम्पिटिशन जीता, वो ट्रॉफी हाथ में ली, लोगों की क्लैपिंग सुनी, तो कहीं ना कहीं वो एक नशा हो गया मुझे। उसके बाद मैंने बहुत सारे नशे किए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट सच बताऊं तो वो नशे से मैंने ये फिटनेस का नशा अडॉप्ट किया। मुझे कभी कोई नशा पसंद ही नहीं आया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग तरह के नशे करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कभी मेरे वाला नशा तो करके देखो तुम। फिटनेस का अलग ही नशा होता है। जैसे मैं सुबह उठा, कार्डियो किया, सबसे पहले अपनी हेल्थ को टाइम दिया, तो इससे कहीं ना कहीं मेरी इनर सोल बहुत खुश रहती है। और उसके बाद मैं जो भी काम करता हूँ उसमें 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं कोई भी काम फिर खुशी से कर रहा होता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ कार्डियो के साथ साथ। सो कार्डियो तो हो चुका है, तो जो मुझे 15-20 मिनट ब्रेक लेना था वो भी ले लिया। अब मैं जिम जाऊँगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स कार्डियो इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू योर मसल। तो हार्ट को हमने हेल्दी कर लिया है, हम जवान बन चुके हैं, तो अब लेट्स कि हम मसल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। देर आर सो मेनी ऑफ मसल इन योर बॉडी। मैं आज बैक ट्रेन करने वाला हूँ। होप सो मैं जो भी आप ये वीडियो देखोगे उसके माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी करेक्शंस बता सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मोटिव इज़ ट्रेनिंग करना खुद के लिए तो है ही, बट मैं लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि जो भी लोग जिम में जाते हैं, लेट्स से फॉर फिटनेस, उनके लिए क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो उनको याद रखनी चाहिए, या मे बी प्रॉबेबली उनका ट्रेनर उनको नहीं बता पा रहा, या वो उतना एजुकेटेड नहीं है, या वो उतना ज्ञान नहीं रख सकता। तो आपको खुद से भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स सी कि मेरी जो बैक ट्रेनिंग है या मेरी जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपकी कितना काम आ सकती है। I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you're always stressed. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. Aggressive, got me on the straight offensive. You can't stop this train direction, cause it runs without an engine. But when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method, all these words that I've invested. I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah, I swear.
swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser. A headline or a rumor, on the bench or a shooter. Superstar or recruiter, defensive prosecutor. Just living a consumer or will you be a producer? If you think you have a dream, go capture it, go activate. Get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough. You're talented, you have to fucking grab it. I'm sick of being adequate, another college graduate. Just looking for an advocate to hire me to pack your shit. You want it, take a stab at it. You need it, then get after it. These people, they don't matter shit, just block them out and capture it. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. So watch me. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blow up. सो हम अपना एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं. जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमने आज बैक ट्रेन किया है, एंड बैक में काफ़ी सारे मसल ग्रुप हैं. लैट्स है, ट्रेपीजियस है, मिडल बैक है, आउटर बैक है, सो और रेयर डेल्ट है. तो मैंने टारगेट किया है कि मैं रेयर डेल्ट हो या अपर बैक हो, मिडल बैक हो, ट्रेपीजियस मसल हो, सभी को सम एक्सरसाइज सभी मसल ग्रुप की करी हैं. सो दिस इज़ आप देख ही चुके हो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज मैंने करी हैं. सो मैंने स्टार्ट किया था लैट कूल डाउन से. द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने किया था दैट्स कॉल्ड लैट कूल डाउन, एंड इट्स गुड एक्सरसाइज फॉर योर लेटस मसल डॉर्सी. लेटस मसल डॉर्सी जो है, तो जितने भी लोग बैक ट्रेन करते हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि देर विल बी अ टू मसल ग्रुप. वन इज लैट्स, लेटस मसल डॉर्सी, एंड सेकेंड इज बैक. तो द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइजेज आर लैट पुल डाउन, जो कि लैट मसल के लिए थी. द सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने करी थी बेंड ओवर रो इज द एक्सरसाइज फॉर द अपर बैक, ठीक है. एंड द वेरी थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने करी थी स्टिफ आर्म पुल डाउन इज अगेन फॉर द सेरेटस मसल, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर लैटस मसल डॉर्सी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. फोर्थ मैंने करी थी वन आर्म डंबल रो, क्योंकि जो लैट पुल डाउन मैंने किया था एंड स्टिफ आर्म पुल डाउन जो भी मैंने एक्सरसाइजेस करी थी, उसमें मेरे अपर लैट्स तो ट्रेन हो गए थे, बट मुझे लोअर लैट्स ट्रेन करने थे. तो लोअर लैट्स ट्रेन करने के लिए मैंने
वन आर्म डंबल रो किया है, देन आई डिड रोइंग, दैट इज़ अगेन फॉर द मिड बैक, एंड मैंने फिर किया था एक लो पुली रो, तो लो पुली रो इज़ फॉर द मिडल बैक अगेन. तो मैंने काफ़ी सारी वेरिएशन की, आई एंड इट विद द रेयर डेल्ट, जो कि मेरे एक शोल्डर मसल का पार्ट है, क्योंकि मैं जब भी रेयर डेल्ट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसको बैक वाले दिन ही ट्रेन कर लूँ, एंड क्योंकि वो बहुत छोटा मसल ग्रुप है तो उसको मैं ट्वाइस अ वीक ट्रेन करता हूँ, एक बार शोल्डर्स के साथ और एक बार बैक के साथ. सो दैट जो मैं मशीन कर रहा था दैट इज़ फॉर द रेयर डेल्ट, एंड सेम वेरिएशन मैंने क्रॉस केबल पर करी थी, वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है. ये तो जो एक्सरसाइजेज हैं जो मेरी फेवरेट हैं कुछ मेरी, और बहुत सारी कंपलसरी एक्सरसाइजेज भी हैं जो करनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारी जनता ऐसी है जिनको कोई कंपटीशन नहीं खेलना या कम्पीट नहीं करना, सो जितने भी मेरे यूथ है, क्राउड है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों को जनरली एक्सरसाइज करनी है फॉर द फिटनेस. तो मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ. तो आप वो एक्सरसाइज अडॉप्ट ना करें जो मैंने करी है, मे बी दैट इज़ गुड फॉर मी, मे बी दैट्स नॉट गुड फॉर यू. तो मैं समझाना चाहता हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइजेस जिम में जाके ट्रेन करते हैं तो ईगो लिफ्टिंग मत करें, क्योंकि जिनकी उम्र 18, 20 साल है, 22 साल है, मैं समझ सकता हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत एंथू हो और आप में बहुत जल्दी है फिजीक बनाने की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. मैंने जो नोट करी है कि जिम में जब मेरा फ्रेंड जिसकी उम्र 19 साल है वो ट्रेन कर रहा है लेट्स से लेग्स, और जब वो स्क्वाट लगा रहा है तो ही प्रोबेबली लिफ्ट 100 केजी. तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी 100 केजी लिफ्ट करूं, तो जिम में जाके ईगो लिफ्टिंग मत करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा. तो मैं आप सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी एक्सरसाइज करो, प्लीज़ सबसे पहले जो भी आपके जिम में ट्रेनर है आप उससे गाइडेंस लो. सबसे पहले जो भी आप जिम ज्वाइन कर रहे हो उसमें जितने भी ट्रेनर हैं, क्या वो उतने क्वालिफाइड हैं कि वो आपको ट्रेन कर सकते हैं? क्या उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेसोलॉजी, ये सब की एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज है? क्या वो सर्टिफाइड हैं? तो आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस टीचर के अंडर आप पढ़ रहे हो या आप ट्रेन कर रहे हो, क्या वो इस योग्य है जो आपको पढ़ा सकता है या आपको ट्रेन कर सकता है? तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है. कल को ऐसा ना हो कि आपको कोई इंजरी हो जाए, फायदे की बजाय नुकसान हो जाए, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. क्योंकि अब तो यार जागो ग्राहक जागो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो ना मार्केट में, तब भी यू नीड, आपको उतना मतलब उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आप क्या खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो. सेम वैसे ही आप किसी भी जिम में ज्वाइन करते हो, विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर ट्रेनर, उसके अंडर जो वो समझाना चाह रहा है आपको, प्लीज़ उसको समझो. दूसरा, जब भी आप कोई भी ट्रेन करते हो, सेंटर नर्वस सिस्टम, CNS कनेक्शन, सो दैट मीन्स अगर आप लेग्स कर रहे हो या बाइसेप्स कर रहे हो, तो वाइल यू लिफ्टिंग वेट आपका कनेक्ट मसल से होना चाहिए रेदर देन द जॉइंट. तो उस कंडीशन में मैं आपको सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप मॉडरेट वेट से ट्रेन करें. मॉडरेट मीन्स जिसमें आप 10 से 12 रेपिटेशन लगा पा रहे हैं, बट अगर आप नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 से लेट से 15-20 पे जा रहे हैं, उस केस में ही आप वेट बढ़ाएं. बट अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठा के 3-4 रैप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट कि जिससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ बनेगी. सो द मॉडरेट रेपिटेशन रेंज वुड बी 10-12, चाहे आपको वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, आपका कोई भी मोटिव हो, बट यही है कि मॉडरेट वेट से ट्रेन करें. क्योंकि जिम एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप अंडर प्रिकॉशन मतलब किसी अंडर अच्छे ट्रेनर के अंडर नहीं हो, या आप खुद से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको लोअर बैक इंजरी, जॉइंट इंजरी, नी इंजरी, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ भी हो सकता है. एंड आप अभी बहुत यंग हो यार, आपके आने वाली पूरी लाइफ पड़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्दी होना है रेदर देन कि आपको इंजरी कर लो. क्योंकि मैं आई एम 36 राइट नाउ, और मैंने ये स्पोर्ट्स में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी इंजरी झेल चुका हूँ, और बहुत सारी इंजरी हुई भी हैं. बट द थिंग इज़ कि हमारे टाइम में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी. आपके टाइम में आपको अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छे ट्रेनर हैं, एंड देन
आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि अब फिटनेस जो है उस लेवल पे जा चुका है कि बेसिक एजुकेशन सभी को है, तो आप उस एजुकेशन को यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, रेदर देन कुछ भी चीज़ गलत करके और कहीं ना कहीं इंजरी कर लो। क्योंकि मैं जो मानता हूँ, और सभी ट्रेनर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार, जब भी आपके यहाँ पे कोई भी यंगस्टर आता है अपनी फिजीक को इम्प्रूव करने के लिए ना, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है वो बताने की कोशिश करो। और क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बिलीव है आपके ऊपर, अगर लेट्स से कल मैं भी जिम जाता था तो मेरा अपने ट्रेनर के ऊपर बिलीव था कि वो जो भी मुझे सिखाएंगे या मुझे जो भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी, ट्रेनर्स को कि वो लोगों को सही गाइड करें, और जितने भी लोग जो जिम जा रहे हैं फिटनेस के लिए, प्लीज़ आप उनका थोड़ा सा सुनो यार, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप खुद समझदार हो, आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो क्या आपको करना है। बाकी जो भी एक्सरसाइजेज मैंने करी हैं, मैंने भी यही कोशिश करी है, आई कैन लिफ्ट, मैं और भी वेट लिफ्ट कर सकता था, बट मुझे था कि मैं वेट लिफ्ट करने से पहले क्या अपना रिदम, क्या अपना कंट्रोल वो रख पा रहा हूँ, तो वो मैं जितने वेट से रख पाता हूँ मैं उतना ही वेट चूज़ करके एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये तो रहा एक्सरसाइज का पार्ट, ऑब्वियसली उसके साथ आपका राइट न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। आप मर्सिडीज चलाओ या मारुति 800, आप लंबोगनी चलाओ या फरारी, सब में फ्यूलिंग की बहुत ज़रूरत है। फरारी हो चाहे लंबोगनी हो या मर्सिडीज़ हो या मर्क हो या BMW, कोई भी गाड़ी चलाने से पहले आपको पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। सो सेम योर फिजिक इज, कि अगर आप सोचते हो आप इसको चलाते रहोगे विदाउट द फ्यूलिंग, राइट न्यूट्रिशन, तो राइट न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं पोस्ट वर्कआउट क्या खाता हूं, क्या लेता हूं, बट आई टुक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि जब भी मैंने एक्सरसाइज करी है मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, आई नीड कि थोड़ा कूल डाउन हो जाए, मेरा ब्लड फ्लो जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए, देन आई हैव माय पोस्ट वर्कआउट, एंड पोस्ट वर्कआउट में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूं, एंड देन फिर मेरा क्या क्या मील्स होते हैं, जब वो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, मिड मील हो गया, एवरीथिंग। सो ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात, यंगस्टर्स बहुत मोटिवेटेड है फिजीक बनाने के लिए, बट जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेशेंस, क्योंकि हो सकता है कि आज आपका नहीं है बट कल आपका ज़रूर आएगा। एंड यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने लाइफ में कुछ कुछ अचीव किया है, वो एशिया चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, बट मेरा इसको देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरा देखने का नज़रिया यही है कि यार, मैंने ना तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए ना कभी एशिया चैम्पियन बनने के लिए ये जर्नी शुरू की थी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि डेस्टिनी भी उतनी ही, ऑब्वियसली मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है, तो सबकी ना कोई लाइफ में डेस्टिनी होती है, तो लाइफ को इतना सीरियसली मत लो यार, लाइफ को उसके फ्लो के साथ जाने दो। और क्योंकि बहुत सारे मैं यंगस्टर को आज अपने जिम में मिलता हूँ जिनके ऊपर एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर है, भैया मेरे 10th में इतने मार्क्स आए, भैया मेरे 12th में इतने मार्क्स आए, तो मैं ये बोल देता हूँ, प्लीज़ मार्क्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे, तो क्या डिसाइड करेगा, आपका पैशन। सो एजुकेशन सिस्टम एक, पहले भी मेरे टाइम में भी एजुकेशन सिस्टम वही था और आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। यार मैं मानता हूँ आपके चाहे 10th में हो या 12th में हो, डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग, रट्टा मारने से पास तो हो जाओगे, गिव मी अश्योरिटी, क्या आप लाइफ में पास हो पाओगे? तो कोई भी लाइफ किसी की भी, आपकी हो मेरी हो, रट्टा मारने से पास नहीं होगी। तो कुछ भी करो यार आप, मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि लाइफ में कुछ सही गलत नहीं होता, सबका सही, सबका राइट एंड रॉन्ग इज अ डिफरेंट, बट कुछ भी हो यार आप पैशनेट होके करो। सो मैंने तो ये शुरू करी थी जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जिस हॉस्टल में मैं पढ़ता था, थोड़ा कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर भर चुका था, कुछ सोसाइटी का दिया हुआ, खुद का इनबिल्ड भी होता है कई बार, तो मुझे उससे बाहर आना था, तो मुझे अपने आप को थोड़ा फिट करना था, बट उसके साथ साथ जब भी मैं जिम गया मेरी फिजिक ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मैंने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया, और कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने एक बात तो सोच ली थी
कि जब भी मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, बहुत खुश रहता था। तो मैंने, मुझे लगा कि यार दिस इज़ द थिंग जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सो मैं इसी को परस्यू करूँगा। सो कहीं ना कहीं मैं जो आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ में आप पैशन ढूंढो, आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है या क्या काम करने से आप बहुत खुश रहते हो। तो मैं एक्सरसाइज करने से खुश रहता था एंड देन मूव ऑन, मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने लगा, मिस्टर यूपी बना, सबसे पहले मिस्टर सहारनपुर बना, यानी जिस शहर से मैं हूँ, मिस्टर सहारनपुर बना, फिर वहाँ से वेस्टर्न यूपी बना, वेस्टर्न यूपी से यूपी बना, वहाँ से मैं जूनियर नेशनल बना, जूनियर नेशनल से फिर मैं फेडरेशन चैम्पियन बना, फेडरेशन चैम्पियन से मैं फिर सीनियर नेशनल बना, सीनियर नेशनल 3 बार जीत चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट एज ए क्यों किया था, क्योंकि मुझे अपने आप को ग्रूम करना था, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना था, टी शर्ट पहनो या कपड़े पहनो अच्छे लगे, दैट्स इट। बट वहाँ से मेरा पैशन क्या हो गया, डेवलप हो गया, एंड पैशन मेरा एक प्रोफेशन बन गया। तो द थिंग इज़ कि मैंने, जब मैं ये पैशन को परस्यू कर रहा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ मेरे एक्सपेंसेस भी हैं, तो मुझे इसमें से अर्न भी करना पड़ेगा। मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, मैंने जिम में जनरल ट्रेनर से लेके, पर्सनल ट्रेनर से लेके, रिसेप्शन संभालने से लेके, सफाई करने से लेके, हर काम किया हुआ यार, जिससे मुझे 2 पैसे मिलते थे, और वो 2 पैसे बट मैं अपने ऊपर खर्च करता था अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए। वो पैसे मैं इसलिए नहीं कमाता था कि मुझे सेविंग्स करनी है, नो, वो मैं पैसे इसलिए कमाता था कि मुझे अपने पैशन को जिंदा रखना था, मुझे अपने पैशन को ख़त्म नहीं होने देना था। क्योंकि मेरे टाइम में भी और आज भी मेरी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा अंधकार में है, अंधकार इन द सेंस कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेनर नहीं बनाना चाहता या पहलवान नहीं बनाना चाहता, ना ही बॉडी बिल्डर। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहता है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बट मैं ये बोलता हूँ कि मेरा पैशन जिसकी वजह से आज मेरी पहचान है, वो भी एक बहुत अच्छा वो है। और उसके बाद मैं फिर, सबसे पहले मुझे मौका मिला जब मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट इन द सेंस कि पहली बार अपनी कंट्री के फ्लैग को होल्ड किया। तो मुझे लगा कि यार शायद मैं इस दिन के लिए, मतलब जो मेरी जर्नी थी 13-14 साल की, मुझे लगा यार क्या मैंने इनफ हार्डवर्क किया है। मुझे लगा नहीं, मैं 13 साल तो छोड़ो, 100 साल भी अगर ऐसे करना पड़े मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अपने बहुत ही कम लोग होते हैं बहुत इस जीवन में जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री का फ्लैग होल्ड करते हैं अपने हाथ में, और कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के फ्लैग को अपलिफ्ट करते हैं। सो मैं जब देख रहा था, जब मैं थाईलैंड गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 2015 में, तो मैंने वो जब फ्लैग पकड़ा, फिर फ्लैग को शोल्डर पे लिया, नेशनल एंथम हुआ, तो आई गेट अ गूज बम्प्स। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सो दैट 60 सेकेंड, दैट्स वो 1.5 मिनट, मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। और पीछे आप ट्रॉफीज देख रहे हैं, दिस इज़ सम 2015 में आई वॉज तलवलकर क्लासिक चैम्पियन, दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप इंडिया में जो होती है, जिसमें इंडिया के टॉप एथलीट्स को इनवाइट किया जाता है। तो दैट मींस, कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते टिल द टाइम आपके पास इनवाइट नहीं है। इसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं होती, दिस इज़ अ ओपन चैम्पियनशिप। 2015 में मैंने विन की, एंड देन मिस्टर इंडिया की है, देन घर पे बहुत सारी ट्रॉफियाँ और भी हैं, आई विल शो यू, कि जो मैंने आपको बताया यूपी सहारनपुर से लेके यूपी जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, एशिया चैम्पियन। और मैं आप सभी लोगों को भी बता दूं, 2018 में अभी मैं करंट एशिया चैम्पियन बना हूं। अगेन वही, वो फ्लैग लिफ्ट करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो बहुत अच्छा लगता है यार। सो कोई भी पैशन, कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई थी यंगस्टर, मतलब अपने आप को ग्रूम करने से, बट ग्रूम करने के साथ साथ पैशन बनी, पैशन से वो प्रोफेशन बनी। बट आज मुझे सब लोग पूछते हैं, भैया आपको 19-20 साल हो गए यार, आप भी आज भी आपका पैशन इतना ज़िंदा क्यों है, गिव मी अ रीज़न। सो मेरे पास एक ही रीज़न है यार, नाउ इट बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन फॉर आप सभी लोगों के लिए यार, मैं छोड़ दूंगा। तो आई एम श्योर बहुत सारे यंगस्टर जो फॉलो करते हैं, जो बोलते हैं यतेंद्र भैया इज़ आर इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन कब तक बन पाऊंगा यार, इंस्पिरेशन तब तक बन पाऊंगा जब तक मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं पहले खुद करूं, तभी आप लोग भी फॉलो करोगे। सो वो लड़का जिसको ग्रूम करना था बट पैशन मिल गया,
पैशन से प्रोफेशन मिल गया, बट कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी एक लिमिट तक होता है, बट प्रोफेशन से अगर आप पूछोगे कि मैं जो आज वर्कआउट कर रहा था अभी शाम को फिर करूँगा, वाई नाउ इट्स बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी फॉलोअर्स ऑफ माइन या जो भी आज जिम जाता है और बोलता है कि यतेंद्र सिंह इज़ आर इंस्पिरेशन, तो मुझे उन लोगों के लिए इस प्रोफेशन को जिंदा रखना है अपने अंदर भी और उनके लिए भी। और सभी पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भी काम को आप पैशनेट होके करते हो एक ना एक दिन आपको उसमें सक्सेस मिल ही जाती है। एंड बट हो सकता है कि सबके लिए सक्सेस की डिफरेंट स्टोरी हो, मेरे लिए सक्सेस इज़ अपने नेशन को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, वो मेरा भी ख्वाब था। और मैं अगर आप पूछोगे कि यार ये फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये फीलिंग एक ऐसी फीलिंग है जो मैं सॉरी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स बयां नहीं कर सकता कि मुझे कैसा लगा फ्लैग अपलिफ्ट करके शोल्डर पे लग के। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, लेट्स कि चलो घर चलते हैं, आई विल शो यू सम मोर ट्रॉफीज, माई पोस्ट वर्कआउट मील, और भूख भी लगी यार, जल्दी चलो। The best part of my work is मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा जिम बहुत पास है, तो मैं सब ऑलमोस्ट वॉक करके हो जाता है। और एज दिल्ली NCR में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो मैं थैंक गॉड वो ट्रैफिक से तो बच जाता है। कर्नाटका में एक मोस्ट प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप होती है हमारे इंडिया की, दैट्स कॉल्ड सतीश शुगर क्लासिक। मैंने ये भी ओवरऑल जीता हुआ है 2016 में, बहुत सारी हैं, अलमारी भरी हुई है। सो दिस इज माय पोस्ट वर्कआउट मील, आई ऑलवेज वर्कआउट के बाद ट्राई टू हैव दैट वे प्रोटीन आइसोलेट। बहुत सारी मिथ्स हैं इंडिया में सप्लीमेंट को लेके, बट वो मिथ का देर इज़ अ रीज़न, द रीज़न बिहाइंड इज लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि वे प्रोटीन पीना अच्छी बात नहीं है, वे प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं। मैं सब चीज़ों का आपको रीज़न दूंगा। द वेरी फर्स्ट रीज़न पेरेंट्स को मैं ये ही पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपके बच्चे जिम जाते हैं वे प्रोटीन पीते हैं अच्छा नहीं होता। बहुत सारी माएँ जैसे मेरी माँ है, और मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, हर एक की माँ दूध में बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पीडियाश्योर मिला के बच्चे के पीछे भागती रहती है। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पीडियाश्योर क्या है? दैट इज़ अगेन अ सप्लीमेंट। सो द थिंग इज कि आपका बच्चा छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद नहीं करता, तो आपको चिंता होती है उसकी ग्रोथ की, तो आप उसको एक चम्मच हॉर्लिक्स या एक चम्मच बॉर्नविटा या पीडियाश्योर दूध में मिला के क्यों पिलाते हैं? क्योंकि दैट इज अगेन अ सप्लीमेंट विच हैज़ वे प्रोटीन इन इट, विटामिन ए सी बी फैमिली के, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन डी, ये सब चीज़ें उसमें हैं ताकि आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो। दिस इज अगेन अ सप्लीमेंट। द थिंग इज कि बट बिकॉज ऑफ कि मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, मेरे मसल उतने बड़े हो चुके हैं, सो आई नीड सम एक्स्ट्रा प्रोटीन इन माई डाइट। सो वो कैसे होगा एक्स्ट्रा प्रोटीन? वो मुझे कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स आउटसोर्स करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट। सीधी सी बात है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो बहुत सारी बुक्स थी, बट हम एग्ज़ाम के पास क्या करते थे, एक सप्लीमेंट्री खरीद लेते थे। वो सप्लीमेंट्री में 20 क्वेश्चन होते थे, 20 क्वेश्चन को हम पढ़ते थे और पास हो जाते थे। तो सप्लीमेंट इज़ अ ईजी वे, तो दिस सप्लीमेंट इज़ अ ईजी वे टू कंज्यूम। और क्योंकि मैंने अभी वर्कआउट किया और मेरे मसल टिश्यू ब्रेक डाउन हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने के लिए आई नीड टू हैव अ सप्लीमेंट, बिकॉज कि मुझे उसको इजीली डाइजेस्ट करना है और अपने मसल को एज सून एज पॉसिबल फीड करना है। क्योंकि अगर मैं नहीं करा तो देंगे इसकी मेरे मसल कैटाबॉलिक स्टेज में चले जाएंगे, एंड कैटाबॉलिक स्टेज में मसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो इन दैट वेज वे प्रोटीन, और बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि वे प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी। सो यहाँ पे एक कह लो जंग है, एक तरफ है डॉक्टर्स जो लोगों को
दवाइयाँ लिखते हैं, ब्लड टेस्ट लिखते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, बट वो नौबत तब आती है जब आप अपना खान पीन अच्छा नहीं रखते, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं लेते, करते स्ट्रेस लेते हो, तो ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी नौबत ऐसी आ जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जानी पड़ता है, और डॉक्टर आपको बोलता है कि क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वे प्रोटीन नहीं पीना है, कोई भी सप्लीमेंट नहीं खाना, दवाइयाँ खाओ, और बहुत सारी उस दवाइयों में वही होता है यार, मल्टीविटामिन लिख देंगे वो आपको, और आपको प्रोबायोटिक लिख देंगे, और एक एंटीबायोटिक दे देंगे, बट अगर आपने उससे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखा होता तो सच में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज़ माई प्री वर्कआउट। सो प्री वर्कआउट मील में वे प्रोटीन के बारे में बता दिया मैंने। आई टेक दिस फिश ऑयल कैप्सूल। दिस फिश ऑयल कैप्सूल इज़ एन ओमेगा 369, सब कुछ है, नॉट गुड नॉट फॉर ओनली फॉर द मसल, दिस इज वेरी गुड फॉर माई हार्ट, वेरी गुड फॉर माई स्किन, वेरी गुड फॉर माई आईज, सो एवरीथिंग। सो दिस इज़ अ गुड फैट बेसिकली, जो कि मुझे अपने पूरे फूड में नहीं मिलता, ओमेगा 369, एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन, हार्ट, एंड इवन फॉर योर हेल्थ। दिस इज अ राइस एंड बट यहाँ पे एवरीथिंग हैज़ टू बी मेजर्ड। ये 220 ml पानी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 50-50 ग्राम है, स्पिनिच है, सीधी सी भाषा में पालक है, आयरन होता है, ब्रोकली है एंड बीन्स हैं, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन वेजीज, मूंग की दाल है और चावल है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हमारा देसी खाना जो है दाल चावल, दिस इज अ पौष्टिक आहार, दाल इज अ प्रोटीन, राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो दाल चावल अपने आप में ही क्या है कि अपने आप में ही एक ऐसा मिश्रण है जो आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों दे रहा है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और बिकॉज व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड फ्यूल इज बेसिकली क्या है कि मुझे फ्यूलिंग करनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मुझे शाम के सेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी मैं ऑलरेडी बर्न कर चुका हूँ उसकी, सो प्रोटीन इज फॉर माई मसल, राइस क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, इज अ फ्यूल ऑफ माई बॉडी, दाल मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इन चावल को मैं ऐसे वैसे नहीं खा पाऊंगा, एंड ग्रीन वेजीज इज अ गुड फॉर आयरन एंड बाकी अदर सोर्सेस के लिए। सो लेट्स डू सो, बट यस, क्योंकि हर चीज एक क्वांटिटी में लेना इज वेरी नेसेसरी। सो आई टुक वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, एंड दैट गिव्स मी 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और मेरी बॉडी एक टाइम में 24 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं अननेसेसरी दो स्कूप नहीं पीऊँगा, वन स्कूप इज़ मोर देन सफिशेंट। और बहुत सारे लोगों को अब ये क्वेश्चन होगा कि भैया ये आप शेकर यूज़ नहीं कर रहे या सिपर यूज़ क्यों नहीं करते। मेरा अपना प्रेफरेंस है कि जो भी प्लास्टिक्स के शेकर्स होते हैं, सिपर्स होते हैं, वो अच्छे से वॉश नहीं होते, तो मैं जितना कम से कम हो सकता है मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज यूज़ स्पून एंड ग्लास, क्योंकि ये ग्लास अच्छे से वॉश हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिम जाओ बॉडी बनाओ, जिम जाओ हेल्दी हो जाओ, जिम जाओ चार दिन में पतले हो जाओ, बाइसेप्स कर्ल करो बाइसेप फूल जाएंगे, ऐसे नहीं होता यार। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट द न्यूट्रिशन यू कांट अचीव योर गोल। गोल कुछ भी हो सकता है यार, आप पतले होना चाहते हो, मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, फिट होना चाहते हो, तो उसके हिसाब से, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि गोल के हिसाब से फूड डिसाइड हो सकता है, नंबर ऑफ कैलोरी डिसाइड हो सकता है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपको वेट लूज करना है तो लेट्स से आप 30 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट कम कर लो, अगर आपको वेट गेन करना है तो 30 प्लस कर लो। सो दैट मीन्स अगर 100 किलो का आदमी है, 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए, तो 2500 कैलोरी उसकी दिन की रिक्वायरमेंट है, ब्रेन चलाने के लिए, हार्ट चलाने के लिए, मसल चलाने के लिए, जॉइंट चलाने के लिए, सब चलाने के लिए, इवन सोने के लिए भी आपको, क्योंकि आपका हार्ट और आपका दिमाग 2400 घंटे काम करता है, आप सोते हुए भी हार्ट तो बंद नहीं होता ना, तो उसको कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हाँ अगर आपको वजन घटाना है तो आप लेट्स से 300 कैलोरी कम कर दो, वजन बढ़ाना है तो 300 कैलोरी,
बढ़ा दो, इतना ही कर सकते हो, बट डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 7 में से 5 दिन अच्छी एक्सरसाइज करी, 2 दिन खाया। मैं बोलता हूँ ये 365 दिन का काम है यार, और अपनी फिजिक को मेंटेन रखना इज द डिफिकल्ट पार्ट। सो जिम में आपने देखा जो भी मैंने वर्कआउट किया वो मेरा एक टाइम का वर्कआउट है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन रह के हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब आप जिम्मेदारी है ही कि इंडिया में फिटनेस को प्रमोट करना है, तो उस जिम्मेदारी को मैं सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं निभा सकता। तो आई नीड टू बी कि मेरा लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ पहले वो मैं करूँ, तभी मैं सिखाने के मैं तभी मैं सिखाने में उतना कॉन्फिडेंटली आपको सिखा पाऊँगा।